जाना था, हमने उसको कैंसिल कर दिया। आज हम अपनी मार्च को ख़त्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह कल कामोकी से हम शुरू करेंगे फिर से अपना जो हमारा सफ़र है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज एक एक्सीडेंट की वजह से हमें ये पोस्टपोन करना पड़ा। उनकी फैमिली के लिए हम अल्लाह से दुआ कर हौसला दे और ताकत दे, ये जो ट्रेजेडी हुई है उनकी। शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हादसा हुआ है, अभी उसमें जो जान बहक हुई है, अभी चूंकि खान साहब ने खुद नीचे जाके वजीर आजम इमरान खान ने वो सारा हमने किया, वो 1122 के ऊपर जो है चले गए हैं, तो चूंकि अभी तक हमें 100% श्योर नहीं है आइडेंटिटी, तो इसलिए उन्होंने बात नहीं की है। लेकिन हमारे जो कुछ खबरें जो हैं वो बड़ी बुरी हैं और हमें पता चल रहा है कि शायद वो मीडिया पर्सन थी, तो अभी कंफर्म चूँकि 100% नहीं हो रहा तो इसलिए हमें पता नहीं है। लेकिन हमने आज सोग में यही फैसला किया है कि आज का लॉन्ग मार्च जो है, जो कामोकी पे जाके आगे ख़त्म होना था, वो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और कल सुबह दोबारा लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू होगा। लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा लोगों से, क्योंकि ये जो ट्राला है ये बहुत ही आहिस्ता चल रहा था और इस ज़ाहिर है कि इसकी स्पीड है ही नहीं क्योंकि लोग साथ पैदल चल रहे हैं। लेकिन हादसों से बचना अहम है, तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है एहतियाती तदाबीर ज़रूर लें, बहुत जो है वो उसमें अपनी ज़िंदगी जो है उसका ख्याल रखें। हमारा जो मार्च है वो पुरअमन तौर के ऊपर आगे बढ़ रहा है और ये जो भी लोग इसमें कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, जिस तरह से भी डाल रहे हैं, वो हमारे लिए, इस मुल्क के लिए बड़े मोहतरम हैं। उनकी तमाम की ज़िंदगियाँ हमारे लिए बड़ी मोहतरम हैं और इंशाल्लाह ताला अब ये कल जो है वो शुरू होगा और अल्लाह गरी के रहमत करे, दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और तमाम फैमिली के साथ, हुक्मरान के साथ, तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान के अवाम का, तमाम लीडरशिप जो हमारी है उसकी तरफ से हम बहुत अपने अफसोस का इजहार करते हैं। और इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी, आज का सफ़र यहीं तक। शुक्रिया।